गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू माय न्यू एपिसोड सचिन तलेकर ब्लॉग। आज हम जिस कंट्री के बारे में बात करेंगे उस कंट्री का नाम है सैन मार्टिन। सैन मार्टिन इज अ कॉन्स्टिट्यूएंट कंट्री ऑफ द किंगडम ऑफ द नेदरलैंड इन द कैरिबियन सी। क्लोजेस्ट कंट्री पे आते तो साबा, सैन किट्स एंड निवेस। अभी मतलब इसके पॉपुलेशन पे तो अबाउ 50,000 पॉपुलेशन है, लेकिन इतनी कुछ खास पॉपुलेशन नहीं है, ठीक है, लगभग 50,000 अप्रॉक्स 50,000 पॉपुलेशन है सैन मार्टिन की। अभी मतलब इसके कैपिटल पे तो फिलिप्सबर्ग इसका कैपिटल है और लार्जेस्ट सिटी है लो प्रिंस क्वार्टर, इसकी लार्जेस्ट सिटी है। अभी मतलब इसके ऑफिशियल लैंग्वेज पे तो इंग्लिश एंड डच इसकी ऑफिशियल लैंग्वेज है। रिलीजन पे आते हैं तो 82% क्रिश्चियनिटी, 34% रोमन कैथलिक, 50% प्रोटेस्टेंट और 5% हिंदुज़म। तो हिंदुज़म है इस आइलैंड कंट्री पे, ठीक है, सैन मार्टिन में। अभी मतलब इसके करेंसी पे तो नेदरलैंड एंटिलियन ग्लाइडर है, तो वहाँ का एक एंटीलियन इंडियन करेंसी में होता है 46.12, तो अच्छी खासी करेंसी है, 46 रुपीस होता है वहाँ का एक एंटीलियन गाइल्डर। अभी मतलब इसके वीज़ा पे तो वीज़ा रिक्वायर्ड है ऑब्वियसली। वीज़ा पोर्टल है www.netherlandsworldwide.nl। मैं रिपीट करता हूँ www.netherlandsworldwide.nl, ठीक है। अभी मतलब इसके वीज़ा फीस पे तो 80 यूरो है, तो इंडियन करेंसी में 7,200 होता है। प्रोसेसिंग टाइम 15 वर्किंग डेज, मैक्सिमम स्टे 90 डेज है, वैलिडिटी 180 डेज की वैलिडिटी है, तो उसमें से 90 दिन तक हम वहाँ पे रह सकते हैं और एक्सटेंडेबल भी है। ड्राइविंग साइड है राइट, कॉलिंग कोड है +1721। अभी मतलब इसके सैलरी पे जो भी मैं कहूँगा वहाँ की लोकल सैलरी करेंसी में कहूँगा और ट्रांसलेट करके इंडियन रुपीज़ में, ठीक है। तो 700 एंटीलियन तो इंडियन करेंसी में होता है 32,200, 17,000 एवरेज सैलरी है तो इंडियन करेंसी में होता है 78,200, हाई सैलरी 6,000 एंटीलियन तो इंडियन करेंसी में होते अबाउट 2,76,000 और मिनिमम सैलरी है 700 एंटीलियन तो इंडियन करेंसी में होते 32,200। अभी मतलब इसके कॉस्ट ऑफ लिविंग पे अगर हम वहाँ पे जाते हैं बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से, जॉब पर्पस से, तो वहाँ पे हमें जानना भी होगा कि ग्रॉसरी का क्या चार्जेस है, कितने तक हमें पड़ जाती है, और रेंट पे अगर हम अपार्टमेंट लेते हैं तो कितना पड़ेगा, कितने तक होगा उसका। क्योंकि अगर हम होटल स्टे तो ज़्यादा टाइम तक हम वहाँ पे नहीं रुक सकते, होटल स्टे में काफ़ी एक्सपेंसिव पड़ेगा, ठीक है। तो अपार्टमेंट तो हमें लेना ही होगा, देखना ही होगा वहाँ पे। तो मैं अभी आपको बता देता हूँ अपार्टमेंट का और ग्रॉसरी का क्या होगा, ठीक है, कॉस्ट ऑफ लिविंग में। और इसकी जो मैं भी कॉस्ट ऑफ लिविंग आपको बताऊंगा वो है लोकल वहाँ की एंटीलियन करेंसी में ही, ठीक है। तो मिल्क है 2.75 एंटीलियन, राइस है $4 4 एंटीलियन 1 केजी का, एग है 12 पीस का 6 एंटीलियन, टमाटो 1 केजी का 6 एंटीलियन, पोटैटो 1 केजी का 7 एंटीलियन, ऑनियन है 1 केजी का 6 एंटीलियन, वाटर 1.5 लीटर 4 एंटीलियन। और अपार्टमेंट पे आते तो 1 बेडरूम 1,100 एंटीलियन, आउटसाइड सिटी 900 एंटीलियन, 3 बेडरूम इन सिटी 1,900 एंटीलियन, आउटसाइड सिटी 1,500 एंटीलियन। अभी हमारे इसके रूट पे तो रूट्स फ्रेंड्स जो मैंने एयरलाइंस चूज़ की है वो है KLM एयरलाइंस की, लेकिन इसमें जो प्रॉब्लम इशू हो रही है वो है कि अभी उन्होंने फ्लाइट बंद कर दी है KLM एयरलाइंस की, जो उसका रूट था मुंबई से एम्स्टर्डम या दिल्ली से एम्स्टर्डम और एम्स्टर्डम से सैन मार्टिन के लिए, ठीक है। लेकिन अभी ये रूट बंद कर दिया है, तो पहले ये रूट पे जाती थी फ्लाइट सैन मार्टिन या बारबोडोस हमें जाना है, ट्रिनिडाड एंड टोबैगो जाना है, तो हम ये सब कैरेबियन एयरलाइंस में जा सकते थे वाया एम्स्टर्डम, ठीक है। और एम्स्टर्डम में हमें ट्रांजिट वीज़ा नहीं लग रहा था और एक ही एयरलाइंस सिर्फ जाती है KLM एयरलाइंस। अभी ये एयरलाइंस जा रही नहीं, फिर भी मैं आपको रूट बता देता हूँ, लेकिन जैन तक तो ये एयरलाइंस है नहीं क्योंकि मैंने कल ही फ़ोन किया था, ठीक है। तो उन्होंने जैन तक बता दिया कि अभी तक कोई ये नहीं किया है, प्लानिंग नहीं की है, स्केड्यूल नहीं किया है, क्योंकि इंटरनल कुछ प्रॉब्लम चल रहा है इसलिए, ठीक है। तो अभी तो फिलहाल बंद है ये रूट, तो फिर भी मैं रूट बता देता हूँ, मुंबई से एम्स्टर्डम, एम्स्टर्डम से सैन मार्टिन, और आपको आगे जाना है TNT, ट्रिनिडाड एंड टोबैगो, बारबाडोस, तो यही रूट से हम जा सकते थे, ठीक है। और मैं खुद मार्च 2023 में ट्रिनिडाड एंड टोबैगो गया था इसी रूट पे और सेम एयरलाइन से, तो कोई प्रॉब्लम नहीं थी, कोई इशू नहीं था, कुछ भी प्रॉब्लम नहीं थी। लेकिन अभी एट प्रेजेंट बंद है एयरलाइंस। तो अभी हमारे पास इसके अलावा बचते हैं दो रूट, या तो US होके जा सकते हैं या फिर लंदन होके जा सकते हैं, और दोनों में हमें ट्रांजिट वीज़ा लगेगा। तो अगर आपको ट्रांजिट वीज़ा इस दोनों रूट से आप जा रहे हो, या US से या UK से, तो ट्रांजिट वीज़ा आपको अप्लाई करके ही जाना है, ठीक है। तो आपको दो वीज़ा लगेगा, एक ट्रांजिट वीज़ा अगर आप UK का चूज़ करें रूट, तो एक UK का ट्रांजिट वीज़ा और एक टूरिस्ट वीज़ा सैन मार्टिन का। अगर आप US का चूज़ कर रहे हो तो US का ट्रांजिट वीज़ा और सैन मार्टिन का टूरिस्ट वीज़ा, ठीक है। तो अभी मैं आता हूँ मैंडेटरी डॉक्यूमेंट्स पे। तो मैंडेटरी डॉक्यूमेंट्स में हो गया पासपोर्ट,
होटल रिजर्वेशन, रिटर्न टिकट्स हो गया, आपका वीज़ा, ट्रांजिट वीज़ा हो गया, प्रॉपर जो सेंट मार्टिन का वीज़ा हो गया, ये सब लगेगा ही। जॉब पॉइंट ऑफ व्यू से या बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से आप जा रहे हो तो PCC सर्टिफिकेट हो गए, पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट, मेडिकल सर्टिफिकेट हो गए, फिटनेस सर्टिफिकेट हो गए, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड आप रखिए, कोविड की सर्टिफिकेट आप लेके जाइए, ट्रैवल इंश्योरेंस करवा लीजिए, तो ये सब मैंडेटरी है। और कुछ भी क्वेश्चंस होगा, कुछ भी क्वेरीज होगी तो प्लीज़ मुझे कॉल करें, व्हाट्सअप करें, आई विल डेफिनेटली हेल्प यू। तो अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं मेरे नेक्स्ट एपिसोड में सचिन देगा व्लॉग। हैव गुड वन, बाय, टेक केयर, बाय।